इसी तरह गौस पाक का मकाम वलियों की सब में सबसे आला है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, और मुस्तजाबु दावात भी हैं। क्या है मुस्तजाबु दावात का मतलब? क्या होता है? आप जो भी दुआ करते हैं रब ताला कबूल फरमा लिया करता था। कहने लगा जी आप वलियों के इमाम भी हैं, मुस्तजाबु दावात भी हैं, जो दुआ करते हैं पूरी हो जाती है, तो मैं भी एक इल्तजा लेकर आया हूं। इधर सभी तवज्जो करें यार, ये बात दिल पर चोट लग जाए, अल्लाह करे सबका रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए यार। बड़े गौर से सुनो। कहने लगे जी आप जो दुआ करते हैं आपकी दुआ कबूल हो जाती है, मैं भी आपकी बारगाह में एक इल्तिजा लेके आया हूं। आपने फरमाया मांगो, क्या मांगते हो? कहने लगा जी मेरे हक में दुआ करो कि मैं खिंजीर से इंसान बन जाऊं। वो जो लिबास खिंजीर है इसमें से निकल कर लिबास बशर में आ जाऊं, इंसानी लिबास में आ जाऊं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने आंखों को बंद किया और सर को ऐसे नीचे कर लिया, मुराकबा किया। फिर थोड़ी देर के बाद आपने सर उठाया, उसको इशारा फरमाने लगे ठीक है भाई, मैं तेरे हक में दुआ करता हूँ तू खिंजीर से इंसान बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है, अगर वो तुझे कबूल है तो मैं तेरे हक में दुआ कर देता हूँ, नहीं कबूल तो भी दुआ नहीं करूँगा। कहने लगा जी वो शर्त क्या है? फरमाए तू इंसान तो बन जाएगा लेकिन रहेगा बेनमाजी, रहेगा। अगर तुझे ये कबूल है तो मैं तेरे हक में दुआ करता हूं। फरमाए खिंजीर ने जब ये सुना तो वो चीखे मारता हुआ भाग गया। कहने लगा मैं खिंजीर रहना पसंद करूंगा, बेनमाजी रहना पसंद नहीं करूंगा। आज हम कहते सन को अल्लाह का नेक बंदा मिलता ही नहीं। अरे गौर से सुनना, बेनमाजी से खिंजीर भी पना मांगता है। खिंजीर उठकर सुबह दुआ मांगता है, या अल्लाह कोई बेनमाजी मेरे मत्थे ना लगे। अरे अल्लाह का वली तुझे कैसे मिल जाए? तुझसे तो खिंजीर पना मांग रहा है। और दूसरी दर्द वाली बात, दुख वाली बात कहूं, तेरा रजब को हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला की विलादत का दिन है, और हमारे सुनियों में हो क्या रहा है? नारे लगते हैं, नारा तकबीर पे आवाज हौली होगी, नारा रिसालत पे आवाज हौली, और नारा हैदरी पे आवाज, ऐसा है कि नहीं है? पहली बात मैं अर्ज कर दूं, मैं नारे का मुखालिफ नहीं हूं, ठीक है ना, इसका मुखालिफ हूं कि आवाज ऊंची नीची क्यों करते हो। मुझे जो दुख है वो क्या है, मैं कहता हूँ जिस अली के नाम पर आवाज बुलंद करती हूँ उसके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलते यार? नारा अली का मारता है यार, अली की इब्तदा भी मस्जिद है, इंतहा भी मस्जिद है। मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ?
अली की इब्तदा भी क्या है, ऊंची बोल दो यार, और इंतहा भी, और हम मस्जिद में जाते ही नहीं है, नारे अली के मारते हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला को शराब से, नशे से इस कदर नफरत, इस कदर नफरत कि आप इरशाद फरमाते हैं एक दरिया बह रहा हो, इसमें शराब का एक कतरा गिर जाए, कितना जी, फिर फरमाया वो दरिया खुश्क हो जाए और वहां घास उगे। फरमाया अली अपनी बकरियों को वो घास भी खिलाना पसंद नहीं करेगा। हजरत साहब आपने ये मंजर देखा होगा, पहले मस्जिदों के साथ खूह होते थे, हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं अगर उस कुएं के अंदर शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर कुआं खुश्क हो जाए और उसी जगह मीनारा बनाया जाए अजान पढ़ने के लिए, फरमाया अली उस मीनारे पर खड़े होकर अजान पढ़ना भी पसंद नहीं करेगा। यार अली को शराब से इस कदर नफरत, और आज अली के चाहने वाले भंग पी के, शराब पी के, चरस पी के, सूटे लगा के अली, मैं आपके ऊपर फैसला छोड़ देता हूं, खुदा के लिए मुझे सच्ची बात बतलाओ, भंग पी के, चरस पी के अली का नाम लेना क्या मुंह इस काबिल है कि अली से नाम का नाम लिया जाए? अली की एक नमाज कजा हुई थी, कितनी, ऊंची बोलो, कौन सी नमाज थी? मैं आगे नहीं चलूंगा जितनी देर आप सारे नहीं बोलोगे। कौन सी नमाज कजा हुई थी? एक मरतबा फिर ऊंची आवाज से बोल। इससे पता चला कि अली सुन्नी थे, वो जोहरैन पढ़ने वाले नहीं थे। अगर जोहरैन पड़ी होती तो असर कजा ना होती। नहीं समझ लगी बात? जोहरैन कौन पढ़ते हैं वो आप समझते हैं, जोहर और असर मिलाकर पढ़ना, ये कौन पढ़ते हैं ये आप समझते हैं। अगर अली जोहरैन पढ़ने वाले होते तो उनकी असर कजा ना होती। इससे पता चला अली जोहर जोहर के वक्त पढ़ते थे और असर असर के वक्त पढ़ते थे। इससे पता चला अली हमारे हैं, हम अली के हैं। और मुझे इस बात पर खुशी हुई है कि हमारे सुन्नी भी अली का दिन मनाने लग पड़े, वगरना मुझे एक बहुत बड़ा खतरा लाग था, बहुत बड़ा खतरा। वो खतरा कौन सा? कि अली का जिक्र करने के ठेकेदार कौन बने हुए थे, भंगे पीने वाले, चरसे पीने वाले, बेनमाजी और शराब पीने वाले, कोट कोट के पीतियां थे, शैतान नगर, कोट कोट के पीते हैं तो शैतान नाल गलां कीती, कोट के पीन से रब से बुथड़ी बात होती है। मुझे खतरा क्या लाहक था, सुनो जरा। एक बंदा अतारी है, क्या है उसका शक्लो सूरत, उसका अमामत शरीफ, उसका लिबास देख के पता चलता है इसका पीर कैसा होगा। एक बंदा नक्शबंदी है, उसका
चेहरा देखकर, लिबास देखकर पता चलता है इसका पीर कैसा होगा। मुझे खुदा की कसम बहुत बड़ा खतरा लाहक क्या था, क्योंकि भंगी चस्नियों को देखकर आने वाली नस्ल ये ना समझ बैठे कि अली भी ऐसे ही होंगे। अली की एक नमाज कजा हुई। अच्छा, ये नमाज नोटों की खातर हुई थी कि वोटों की खातर हुई थी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद की खातर कुर्बान हुई थी। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असल जो आला खतर की है। आला जबी कौन सी नमाज? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला की गोद में सर रखकर आराम कर रहे हैं। सरकार ने नमाज पढ़ ली, इन्होंने भी नमाज नहीं पढ़ी थी, तो सोचने लगे मैं उठ के नमाज पढ़ूंगा तो मेरे आका की नींद में खलल आ जाएगा। नमाज कजा हो गई। सरकार की नींद पर, लेकिन फिर भी आंखों से क्या निकले, थोड़ा सोचिए वहां से, यार कभी हमारे भी आंखों से आंसू निकले हैं नमाज के कजा होने पर, कि इस मुंह से अली का नारा लगा रहा है यार। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला ने एक मरतबा मैदान जंग में है और जंग की कमान कर रहे हैं, इतने में नमाज का वक्त हो जाता है। आपने शाह फरमाया भाई अजान को नमाज पढ़ ले, अर्ज करने के जी अभी हमला पसपा नहीं हुआ, पसपा होता है तो फिर तसल्ली से नमाज पढ़ेंगे। अब खामोश हो गए थोड़ी के बाद, फिर कहा भाई अजान को नमाज पढ़ ले, फिर उन्होंने जवाब दिया अजर जी अभी हमला पसपा नहीं हुआ, अब फिर चुप करके थोड़ी देर के बाद फिर हमारा अजान को भाई नमाज पढ़ ले, फिर वो कहने लगे अभी हमला पसपा नहीं हुआ। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला उनके चेहरे पर जलाल आ गया, आपने इरशाद फरमाया और नमाज के लिए तो हम जिहाद कर रहे हैं, नमाज ही ना पढ़ी तो जिहाद किस काम का। अगर मेरी बातों से आपको अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुना दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मैं हदीस गलत तो नहीं पढ़ रहा? नमाज मेरी आंखों की, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, इसका मतलब क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ऐ मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूं मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। और बात भी सच्ची है। हजरत साहब आप तो हज्जत के वक्त उठो, चाहे इस्तंजा पानी करने के हिसाब से उठो, आगे आपका बेटा नमाज पढ़ रहा हो, आपकी आंखें कितनी ठंडी होंगी? अगर आपकी आंखें ठंडी हो रही है तो मेरे आका की आंखें कितनी ठंडी होती होंगी। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, मैं हाथ बांध कर एक बात कहने लगा हूँ, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सरकार की आंखें ठंडी होती हैं, और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, ताश खेलते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कतर रहमी करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? बोलो तो सही यार। तो खुदारा जिस नबी का मिलाद मनाते हो उस नबी की आंखें ठंडी करने वाले काम करो, उनको दिखाने वाले काम न करो। अगर मेरी बात से अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो आप कहेंगे आफी साहब हमने ना तो बुखारी पढ़ी, ना हमने मिशकाज पढ़ी, ना तिर्मिजी पढ़ी, ना निसाई पढ़ी, हमें हदीसों का क्या पता हो? तो भाई मैं अब वो हदीस बयान करने लगा हूँ
जो अमूमन मसाजिद के ऊपर भी लिखी होती है, मसाजिद के ऊपर लिखी होती है। वो हदीस कौन सी है सुनो, हदीस पाक में आता है अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, सबकी आवाज नहीं आ रही, नमाज जन्नत की। हजरत साहब अब आप थोड़ा सा मुझे जवाब दी, चाबी के बगैर ताला खोलोगे? ऊंची बोल दो यार। तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरने के बाद करना है कि पहले करना है? ऊंची बोलो। तो फिर करते क्यों नहीं हो? जब ये तस्लीम कर रहे हो मैं चाबी के बगैर ताला नहीं खोल सकता और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले ही करना होगा, मरने के बाद नहीं कर सकते, अरे फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हैया अलैस्सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा ताश खेल रहा है, क्यों बैठे फिल्में ड्रामे देख रहा है, अरे क्यों बैठा कारोबार कर रहा है, तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ जा। कोई पूछे किधर जा रहे हो, बतला जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। चलिए सब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप अपने घर में या डेरे पर कोई मुलाजिम रखते हो, क्या रखते हो? उसको एक मरतबा बुलाओ ना आए, दूसरी मरतबा भी, तीसरी मरतबा भी ना आए, आप उसको सजा भी देते हो, छुट्टी भी करा देते हो। मैं कहता हूँ हजरत जी गरीब आदमी है, क्यों मारते पेजे, क्यों छुट्टी करा रहे हो? जवाब मिलता है हाफिज जी तीन मरतबा बुलाया आया ही नहीं। तीन मरतबा बुलाया, ऊंची बोलो, तीन मरतबा बुलाया। मैंने कहा जो तीन मरतबा बुलाने पर ना आए उसकी ये सजा है। अरे कभी सोचा है तेरा खालिक तुझे रोजाना पांच मरतबा बुलाता है, जो पांच मरतबा बुलाने पर भी नहीं आ रहा उसकी क्या सजा होनी चाहिए? मैं गलत कह रहा हूं भाई मेरी झोली में डाल दो, और अगर सच कह रहा हूं खुदारा आज यहां से उठो अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करके जाओ। चले अगर सब आप जवाब दें, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है, इसकी क्या वजह है? चले वजह भी मैं बतला दूं, ताले के अंदर असल में लीवर होते हैं, क्या होते हैं? जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। आओ आज मैं ये भी बतला जाऊं, जो जन्नत को ताला लगा उसके पांच लीवर हैं। और कितने लीवर हैं? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल रहा है ताला खुल जाएगा? दो से, तीन से, कब खुलेगा? तो आज के बाद फिर कितने दांते डालने हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई एक और बड़ा प्यारा सा मसला बतला दूं, हजरत साहब आपके वाली साहब या पीर साहब आपके लिए मदीने शरीफ से तोहफा लाए, वो टोपी भी हो सकती है, तस्बीह भी हो सकती है, रुमाल भी हो सकता है, अगर आप इस तोहफे को जाया कर दो तोहफा लाने वाला खुश होगा कि नाराज होगा? सबकी आवाज नहीं आ रही। तोहफा लाने वाला, इससे पता चला जो तोहफा मदीने शरीफ से लाया जाए जो उसकी कदर ना करे तो तोहफा लाने वाला नाराज हो जाए। यार कभी सोचा है नमाज कहाँ का तोहफा है? ये तो ला मकानों का तोहफा है,
अरे ये तोहफा भेजने वाले रब्बुल आलमीन हैं और लाने वाले रहमतुल आलमीन हैं। जो इस तोहफे को जाया कर रहा है परवाह नहीं करता। सच्ची बात बतलाओ, रब राजी हो जाएगा उससे? ऊंची बोलो यार। सरकार राजी हो जाएंगे? तो हम यहां आए काहे के लिए हैं? हाय हाय हाय, अरे हमारा यहां आने का मकसद ही ये है हमसे रब भी राजी हो जाए, उसका महबूब भी राजी हो जाए। तो नुस्खा हमें पता चल गया, नमाज पढ़ेंगे रब भी राजी हो जाएगा, उसका महबूब भी राजी हो जाएगा। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो एक और छोटी सी मिसाल अर्ज कर दूं। हजरत साहब, आपके घर में संदूक होंगे, इनमें गंदे कपड़े रखते हो? साफ रखते हो? गंदे क्यों नहीं रखते? नहीं रखता, क्यों नहीं रखता? चले इसका जवाब ही मैं अर्ज कर दूं। इसका जवाब यह है कि हाफिज साहब, हमने संदूक बनाया ही पाक कपड़ों के लिए है। किसके लिए बनाया है? नापाक कपड़ों के लिए बास्केट रखी है। संदूक किसके लिए बनाया है? आप भी बताओ किसके लिए? जब हमने संदूक पाक कपड़ों के लिए बनाया, नापाक इसमें नहीं रखते, यार रब ने भी जन्नत पाक लोगों के लिए बनाई है, नापाकों के लिए दोजख बनाई है। अरे काम नापाकों वाले करके उम्मीद जन्नत की रख रहा है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने आप इरशाद फरमाते हैं, जो मैं कहने लगा हूं अगर गलत कहूं तो अल्लाह ताला मुझे अंतहा कर दे। फरमाया, मैंने खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इंसान के जिस्म का वो गोश्त जो हराम माल से पलेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। चोरियां करने वालों, डकैतियां करने वालों, और कुछ नहीं, गड दे उते ट्राली ते गन्ने लाद के जा रहे ने, मगर गले खिंच खिंच के चुप रहा है, किसकी इजाजत सिखा रहा है? ऐसे गुजरते गुजरते गन्ना तोड़ के चुपता जा रहा है, भाई किसकी इजाजत से खा रहा है, किसका माल खा रहा है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला नमाज पढ़ते थे, नमाज में बड़ा सरूर आता था। एक दिन सरूर आना बंद हो गया, परेशान हो गए, एक अल्लाह वाले के पास चले गए, यार मुझे नमाज में सरूर बड़ा आता था, बंद हो गया है, मैं क्या करूं? वो कहने लगे, मदीने शरीफ चला जा, वहां रात के पिछले पहर अल्लाह के वलियों की महफिल लगती है, उसमें तेरा मसला हल होगा। मदीने शरीफ पहुंच गए, कोने में छुप के बैठ गए इंतजार में कि रात का पिछला पहर आए, अल्लाह के वली आए, मेरा मसला हल हो। जब रात का पिछला पहर हुआ तो कुछ लोग जिन्हें के चेहरे चौदहवीं रात के ज्यादा चांद से भी चमक रहे थे, वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। जब सारे इकट्ठे हो गए तो एक स्टेज सेक्रेटरी खड़ा हुआ, वो कहने लगा, भाई इससे पहले कि हम अपना इजलास शुरू करें, मैं आपको एक मेहमान का तारुफ करवाने लगा हूँ जो बगदाद शहर से आया है और उसको नमाज में सरूर नहीं आ रहा। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। कहने लगे, मैं वहां पहुंचा, किसी से गुफ्तगु भी नहीं की और अल्लाह के वली सब कुछ जान रहे। कहने लगा, मैं उठकर आगे आ गया, मैं उठकर आगे आ गया। मैंने कहा, हजरत जी मैं ही वो गुनाहगार हूं जिसको नमाज में सरूर नहीं आता। ऐ शिकायतें करने वालों, नमाज से लज्जत नहीं आंदी, सुकून नहीं आंदा, जरा तवज्जो से सुनो, क्यों सरूर नहीं आ रहा? फरमाने लगे, लोगों का माल खाता है
और नमाज में जरूर तलाश करते हैं। कहने लगे जी मैंने किसका माल खाया, अब सुनो जरा। फरमाते कि तुमने बगदाद शहर में एक छाबड़ी वाले से खजूरें खरीदी थी, उसने खजूरें तोल के ना तेरे हाथ में डाली, तूने ऐसे हाथ किया तो जब उसने वो तराजू के पलड़े में तोल कर तेरे हाथ पे डाली तो एक खजूर वापस छाबड़े में गिर गई, तूने भूले से अपनी उठाने के बजाय दूसरी की खजूर उठा ली। लोगों का माल खाता है और नमाज में सरूर तलाश करता है, जानबूझ के नहीं खाई, एक खजूर नीचे गिरी अपनी उठाने के बजाय गलती से दूसरी उठा ली, नमाज से जरूर बंद हो गया। और आज हम क्या पता करते हैं, रेडी ते खड़े हो जाने, ओए की भा दे रही वे, ओए ओए नहीं महंगा वे घट कर, यानी सौदा तय करवाते करते आधा पाव वैसे ही खा गया, क्या किसका माल खा रहा है। फरमान लगे लोगों का माल खाता है नमाज में सरूर तला, चल भाग यहां से। वापस आए बगदाद शहर में उस छाबड़ी वाले को तलाश किया, वो मिला, कहने लगा भाई मैंने तेरी एक खजूर भूले से खा ली है, मुझे माफ कर दे। कहना जाओ जी माफ किया, वापस आए नमाज पढ़ने लगे, सरूर आना शुरू हो गया है। सरूर नहीं आता अपनी गिजा की तरफ तवज्जो करो, मैं किसी का हक तो नहीं मार रहा। अजब्बा जी फोत हो जाना तो रिश्तेदार कट्ठे हो जाने, तो भरा कहना भैनों भैनों हिस्सा चाहिए जे कि भरा चाहिए जे, मैं सही कह रहा गलत कह रहा? अगर भैन ने कह दिया जी हिस्सा तो रिश्तेदारी खत्म। हजरत जी ताड़ी भैन नहीं लग लो छो आप जी भैन।